जैसा कि इसमें 12 बॉल की आईसी थी जो कि ओवीपी आईसी, जिसे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो हम 12 बॉल को रिप्लेस कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? 9 बॉल से सर। 9 बॉल से। तो यहाँ से हम किस में से निकाले अभी आईसी? ये सर हमारे पास स्क्रैम रेडमी 5A का, 5A का है, उसमें से 9 बॉल की निकाल लिए। तो यहाँ सब्सक्राइब करें टेक्निकल फिरोज चैनल को और बाजू में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जियो 220 जो हैंडसेट है उसका यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि कहाँ से वी बस की जो लाइन होती है इनपुट हो रही है आईसी के पास आईसी में और कहाँ से वीबेट की लाइन आउटपुट हो रही है। यहाँ पे हमने यहाँ बॉल के साथ यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग पिन जो होती है आपकी, यहाँ से जो पहले नंबर की पिन है इसकी वीबस की पिन है और लास्ट वाली ग्राउंड है इसमें। तो यहाँ पे वीबस में हमको जब हमने ट्रेस किया इस हैंडसेट में तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक डायोड मिला जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल में, और यहाँ पे आपको 5 वोल्ट जैसे इनपुट होगा ये डायोड के पास आपको एक सिरा ग्राउंड रहेगा जो कि इसका प्लस का सिरा होगा ग्राउंड, और माइनस वाले सिरे पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। इसके आगे हमने देखा यहाँ पे फिर एक और जीनर डायोड लगा हुआ है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल में, और उसके बाद हमको एक कॉयल मिला यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कॉयल बनाया है, और उसके बाद एक कैपेसिटर जो कि पैरेलल में मिला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे आईसी में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक आईसी बनाई है 9 बॉल की। तो यहाँ पे जो पहले जो 3 पिन है इसके ग्राउंड है, और इस तरफ जो पहले 3 पिन है उसमें से एक ग्राउंड और 2 NC है, और यहाँ पे हमने 9 बॉल की यहाँ पे ओवीपी आईसी उतारी है। तो यहाँ पे 3 पिन पे इसके इनपुट होगा वीबस, और ये ओवीपी आईसी यहाँ पे लगी हुई है जो कि हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। 9 बॉल की आती है, 12 बॉल की आती है, अलग अलग टाइप की ओवीपी आती है जिसमें से 6 पिन इसके आपस में जुड़े होते हैं आईसी लगने के बाद, और 3 पिन इसके ग्राउंड या फिर एनसी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 9 बॉल बनाए हैं, और यहाँ पे ओवीपी जो होती है एक प्रोटेक्शन आईसी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 3 6 पिन आपस में आपको ज्वाइन, या तो अगर आप आईसी लगाते हो तो ठीक है, अगर आईसी को आप बाईपास करना है तो यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल में, और आगे आपको एक और कैपेसिटर मिला है पैरेलल में। उसके बाद ये सीधा इस तरह से पावर आईसी में चला गया जो कि इसकी चार्जिंग आईसी है, और यहाँ पे नीचे एक कैपेसिटर मिलेगा आपको जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नोस्कट पॉइंट ऊपर है, और यहाँ से अगर बॉल काउंट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं M नंबर तक इसके बॉल है, और आईसी के बिल्कुल लास्ट में M वाली लाइन में आप बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे दो बॉल आपस में जुड़े हुए हैं जो कि वी बस 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है, और यही इसकी पावर आईसी ही इसकी चार्जिंग आईसी है जहाँ से आपको A3 नंबर का जो बॉल है वहां से एक कैपेसिटर के थ्रू होते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कंपोनेंट हमने वीबेट तक के यहाँ पे उतार दिए हैं। यहाँ पे 4 से 5 कैपेसिटर आपको पैरेलल में मिलेंगे, और एक डायोड यहाँ पे पैरेलल में मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे वीबस वीबेट जो है बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले सिरे में ये लाइन चली गई है जहां पे आपको जो 5 वोल्ट इनपुट हुआ था वही यहाँ पे 4.2 आउटपुट में मिलेगा आपको। तो ये एक जियो का 220B चार्जिंग आईसी का हमने डायग्राम बनाया है, और इसको अभी प्रैक्टिकल आप देखेंगे आगे जो कि स्टूडेंट ने अपने साथ एक हैंडसेट लेके आया है जिसपे हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइव क्लास की है, लाइव रिपेयर किया है उसको, कैसे हमने 12 बॉल के आईसी को 9 बॉल में कन्वर्ट किया है। अगर आप चाहे तो जंपर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने 12 बॉल के आईसी को 9 बॉल में कन्वर्ट करके इसको हमने रिपेयर किया है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो जियो के किसी भी मोबाइल में आप चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं, और ये आईसी आउटपुट तब निकालती है वीबेट जब इस आईसी को कंट्रोलिंग लाइन मिलती है, सीपीयू से ई इनेबल सिग्नल मिलता है या I2C लाइन मिलती है जो कि हम क्लास में आपको सारी डिटेल बताते हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं मेरे साथ स्टूडेंट एक है, अपना नाम बताइए थोड़ा। राजस्थान से है। तो आपके पास हाथ में जो हैंडसेट है कौन सा है हैंडसेट? F220B जियो का हैंडसेट है। जियो का आपका ही है? हाँ सर, साथ में लाए थे। हाँ सर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बता दो सर। इसके अंदर जब मेरे पास ये कंडीशन में आया तो नो चार्जिंग की कंडीशन में आया था, जब मैंने इसको डायग्नोस किया तो मुझे पता चला कि इसकी जो ओवीपी आईसी है प्रोटेक्शन आईसी वो निकली हुई थी सर, वहाँ से वो निकली हुई है। टेक्नीशियन ने पे काम, चार्जिंग नहीं ले रहा, चार्ज नहीं ले रहा, बट मोबाइल ऑन है आपका। ठीक है, तो एक बार चार्जर लगा के बता दो
चार्ज लगाते सर सीधा लोगो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह, यहाँ पे कोई लोगो नहीं आ रहा और यहाँ पे मैं यहाँ भी कोई एम्पियर नहीं ले रहा, एम्पियर वगैरह कुछ नहीं ले रहा। तो यहाँ पे आप अभी इसे फाइंड किए पूरा प्रॉब्लम? हाँ सर, पूरा मैंने ट्रेसिंग कर लिया इसको। तो हम यहाँ पे जो आईसी लगी थी इसमें, थोड़ा सा बताइए वहाँ पे रखे एलसीडी में, आराम से वो छोटी आईसी घूमना नहीं चाहिए जो रिवॉल्व किया आप। सर इसमें 12 बॉल की पहले आईसी लगी हुई थी, हाँ, जिसके अंदर स्क्रैप मदरबोर्ड के अंदर से हमने ओवीपी की, यहाँ पे देख सकते हैं 12 बॉल का यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, जहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, करेक्ट, थोड़ा ऊपर करिए बोर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे एक आईसी निकली हुई है, यस सर। तो यहाँ पे हम जो आईसी अभी लगा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि इसमें 12 बॉल की आईसी थी जो कि ओवीपी आईसी, जिसे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बोलते हैं, तो हम 12 बॉल को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 9 बॉल से सर। 9 बॉल से, yes, तो यहाँ से हम किस में से निकाले अभी आईसी? यस सर, हमारे पास स्क्रैप मदरबोर्ड रेडमी 5A का, 5A का है, उसमें से 9 बॉल की निकाल लिए। तो यहाँ पे आने से पहले नॉलेज थी कि आपको 12 बॉल की होती है, यहाँ से इनपुट होता है, यहाँ से 9 भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नॉलेज थी क्या पहले? सर हमको ये भी नहीं पता था कि एक्चुअल में प्रोटेक्शन आईसी होती भी है या नहीं, और क्या होता है वो भी नहीं पता। यहाँ पे हम चार्जिंग सेक्शन जब आपको पढ़ाया गया तो ये आईसी के बारे में बताया गया कि कहाँ पे इनपुट सप्लाई आती है, कहाँ पे आउटपुट होती है। तो अभी आपके पास इस तरह की कोई भी आईसी आ जाए, अच्छा ये तो हम दूसरी आईसी लगा रहे हैं, मतलब 12 की जगह 9 लगा रहे हैं, तो हम बगैर आईसी लगा के भी बना सकते हैं ना इसको? हाँ सर, ये पूरी लाइन एक ही रहती है, हाँ, जंपर करके क्या करना है आपको पता है? बगैर आईसी लगा के भी हम क्या कर सकते हैं इसको? जंपर कर सकते, बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बना सकते, बना सकते हैं विदाउट आईसी, लेकिन हम 12 की जगह 9 डाल रहे हैं। आईसी इसलिए डालते हैं क्योंकि हम अगर जंपर कर देते हैं तो हीटिंग की वजह से अगर वो जंपर निकल जाता है तो प्रॉब्लम वापस से क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा सर, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो बेटर क्या होता है आईसी की जगह, अगर हम आईसी तो ये 12 की जगह 9 आपको रिप्लेस करना है, ये कब नॉलेज होगी? प्रॉपर नॉलेज जब आप सीखोगे, प्रॉपर आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बताया गया, तो हम 12 की जगह अभी 9 डालेंगे। और आईसी कितनी छोटी है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए, आप ही रिवॉल्व करें ना इसको। सर आईसी इतनी छोटी है कि अगर ऐसे आंखों से देखा जाए तो इसके प्रॉपर बॉल भी नहीं दिखेंगे हमको, हाँ, प्रॉपर माइक्रोस्कोप, प्रॉपर टूल्स की जरूरत। थोड़ा सा आईसी बता दीजिए यहाँ पे, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत छोटी आईसी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक प्रोटेक्शन आईसी है जो कि 9 बॉल की है और इसके अंदर बॉल बनाने पड़ते हैं, आप ही बनाए बॉल, इसके निकाले भी आप ही। कहाँ सीखे? रिवॉल्विंग आया सर, यही पे 4 दिन, 5 दिन के अंदर। आज 5वां दिन की क्लास है हमारी और ये आप सेक्शन पे काम भी कर रहे हो। जियो का हैंडसेट है, बहुत सारे चार्जिंग प्रॉब्लम आते हैं, मार्केट में लोग बना नहीं पाते, कहाँ से प्रॉब्लम है समझ नहीं आता है, और यहाँ पे आईसी ऑलरेडी किसी टेक्नीशियन ने निकाल के फेंक दी थी तोड़ के, उसके बाद में उसको आईसी मिली नहीं, वो नहीं, उसको नॉलेज होती तो बगैर आईसी के भी वो बना सकता था, जंपर करके कर सकता था। जंपर कहाँ कहाँ करना है, किस पॉइंट पे करना है, ये प्रॉपर नॉलेज कब आएगी? जब आप सही से सीखोगे। यस सर। क्या तो आईसी नहीं मिलने की वजह से वो ऐसे ही छोड़ दिया सेट, कस्टमर को रिटर्न दे दिया, और वो सेट आपके पास आ गया। यस सर। है ना, तो चलिए लगा के बता दीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवीपी 12 बॉल की आईसी है और 9 बॉल से हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 3 बॉल में इनपुट होता है इसका वीबस, जहां पे आपको 5.2 के आसपास वोल्टेज मिलेगा, 5 वोल्ट के आसपास आपको इनपुट होगा, और यही वोल्टेज 3 बॉल के साथ आईसी के, ये यहां से जाएगा चार्जिंग आईसी के लिए, जो कि जियो के अंदर इसकी पावर आईसी जो है वही इसकी चार्जिंग आईसी है। तो यहाँ पे ये वी बस आउटपुट होगा इस आईसी से। अगर आपके पास इस तरह के आईसी आते हैं और प्रॉब्लम आती है तो इसको आप जंपर कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये दो लाइन को आपको आपस में इस तरह से, जो इनपुट यहाँ पे 5 वोल्ट हो रहा था, इसी को आपको इसे आउटपुट से जोड़ देना है। अगर आपके पास आईसी नहीं भी होती है तो यहाँ से आप जंपर कर देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। इस तरह की 12 बॉल की आती है तो आपको यहाँ पे जंपर लगा देना है, ये दो जंपर मिला देने से आपका आउटपुट यहाँ से आउटपुट आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आप जंपर लगाते हो तो हीटिंग वगैरह की वजह से जंपर हट जाता है या निकल जाता है तो वापस प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आपको आईसी को रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे आप यूवी ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आईसी अगर रिप्लेस की जाए तो वो बेटर आपका सोल्यूशन है, कस्टमर का प्रॉपर से काम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितेश आईसी लगाते हुए छोटी, जो कि 9 वॉल की आईसी है, रिप्लेस कर रहे हैं 12 वॉल की जगह पे। तो किस तरह से लगाना है, नोज कट पॉइंट कहाँ पे होगा, ये सारी चीज आपको प्रॉपर नॉलेज आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आपका सेट आपका प्रॉपर बनेगा। लगा दिए जितेश? यस सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 3 बॉल पहले से छोड़ दिए हैं, क्यों छोड़े, क्या वजह है, ये आपको सीखना पड़ेगा ज्वाइन करके इंस्टीट्यूट। क्या
तो यहाँ पे ऑलरेडी सोल्यूशन सारा दे चुके हैं यहाँ पे वीडियो में, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार मल्टीमीटर में। मैं बताना चाहूंगा जो रेजिस्टेंस वीबस का इनपुट हो रहा था वो आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आ रहा है, एक बार चार्जर लगा के भी बता दीजिएगा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है 5 वोल्ट। यस सर, आउटपुट के कैपेसिटर पे चेक करो, जितेश कैपेसिटर पे ऊपर के, हाँ वहाँ पे कैपेसिटर पे चेक करो और उसके साथ वोल्टेज चेक करो। तो मल्टीमीटर को डालना है डीसी 20 पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अब हम कैपेसिटर पे जो आउटपुट पे जो कैपेसिटर लगा है वीबस के वहां पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट, जैसा कि यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, मिल चुका है सर, बन रहा है ना आउटपुट। यस सर, और ये कंडीशन देखो सर, हाँ जैसे चार्ज लगाएंगे तो अपना जियो का लोगो आ जाएगा सर। ये यहाँ पे आप फ्रंट देख सकते हैं, यहाँ पे जियो का लोगो आ गया है, यहाँ पे बैटरी इनके पास नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करो इसको लगा दो। बैटरी नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये लगा लेंगे। करेक्ट, वेरी गुड। तो जियो के काफी सारे हैंडसेट में OVPIC की प्रॉब्लम आती है जिसमें चार्जिंग वो लोग बना नहीं पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो आ चुका है, पहले ये हैंडसेट में कुछ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे चार्जिंग भी शो कर रहा है बट इसमें बैटरी नहीं है, हमने डीसी का लिया है। तो यहाँ पे लाइव रिपेयर किया ना ये, आप ही का हैंडसेट है, वो इनका हैंडसेट है, किसका है, जितेश का है ना, इंस्टीट्यूट का तो नहीं है जितेश ये? नहीं सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हो तो एशिया टेलीकॉम को जरूर ज्वाइन करें। हाँ, दिल से बोल रहे हैं सर, दिल से। चलो, थैंक यू वेरी मच।